Next example regarding storage classes. Here we are declaring one function as r, then main. Main के केस में एक loop prepare किया, loop के अंदर every time call क्या हो रहा है, function r, because r is having integer return types. Means r के calling place पर every time expect क्या हो रहा है, some integer kind of values. As we know, loops के अंदर initialization, conditional और increment decrement session में किसी भी type का expression write करना possible, यानी executable statement. इस फाइनली कंडीशंस के केस में बात करें तो कंडीशन के प्लेस पर एक्सपेक्ट क्या हुआ, आइदर जीरो और नॉन जीरो. जैसे इस प्लेस पर जीरो रिटर्न हुआ देन इमीडिएटली कंडीशन फॉल्स हो जाएगा. लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो एग्जीक्यूशन के रिस्पेक्ट में सबसे पहले परफॉर्म क्या हुआ, मेमोरी एलोकेशन ऑफ स्टैटिक वेरिएबल. मीन फर्स्ट केस में सबसे पहले चांस किसको प्रोवाइड करेंगे, एलोकेशन ऑफ स्टैटिक वेरिएबल नम. दैट्स व्हाट वी आर allocating memory space for variable num inside data area with the initial value of num is 7. Next one, static variables के लिए allocation perform होने के just बाद chance किसको provide होगा, main function को stack के form में. यहाँ stack को implement करने need नहीं, इसलिए मैं directly write down कर रहा हूँ. Next one, जैसे loop के case में chance मिलेगा, loop के case में सबसे पहले initialization session life only one time execute. जैसे इस case में function r call होगा, वो r के case में num कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ, इनसाइड थर्ड केस, या सीक्वेंस मार्क कर रहा हूँ. थर्ड केस में चांस किसको मिला, इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइजेशन के जस्ट बाद कॉल किया फंक्शन आर, इमीडिएटली कंट्रोल सेंड हुआ टू द हेडर ऑफ फंक्शन आर. देन इसके जस्ट बाद पर्टिकुलर स्टेटमेंट कैसा, प्री एग्जीक्यूटिव. डायरेक्टली जब कंट्रोल बॉडी के अंदर सेंड हुआ तो एक ही स्टेटमेंट फॉर एग्जीक्यूटिव है, इस केस में रिटर्न नम माइनस माइनस फोर, देन सिक्वेंस नंबर फिफ्थ. यहाँ सिक्वेंस मैनेज नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली num माइनस माइनस. num के प्लेस पर मीन्स फाउंड करा पोस्ट डिक्रीमेंट, सबसे पहले num के प्लेस पर num का करंट वैल्यू रिप्लेस होगा, देन इमीडिएटली डिक्रीमेंट. नाउ num बिकम्स 6. लेकिन इस प्लेस पर रिप्लेस किया हुआ था 7, इसलिए कॉलिंग प्लेस पर रिटर्न क्या हुआ, 7, नॉट यूज. देन इसके जस्ट बाद चांस किसको मिलेगा, कंडीशंस. कंडीशन के केस में कॉल किया हुआ फंक्शन r, r अगेन कॉल हुआ तो अगेन सेम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ num. num के प्लेस पर रिप्लेस किया हुआ करंट वैल्यू ऑफ num व्हिच इज 6. 6 रिप्लेस होने के बाद num में डिक्रीमेंट हुआ, नाउ num बिकम्स 5. इन कॉलिंग प्लेस पर रिटर्न क्या हुआ, 6, इस इन प्लेस ऑफ कंडीशन. 6 इज अ नॉन जीरो नंबर, दैट्स व्हाई कंडीशन इज ट्रू. कंडीशन ट्रू होने के इसमें चांस किसको मिलेगा, बॉडी ऑफ लूप. लूप के बॉडी के इसमें प्रिंट टैप को चांस मिलेगा, प्रिंट टैप इटसेल्फ अगेन कॉल किसको हो रहा, फंक्शन r. r अगेन कॉल हुआ तो फिर से रिटर्न क्या हुआ, वैल्यू ऑफ num. num का करंट वैल्यू फाउंड हो रहा, पहले रिप्लेसमेंट हुआ देन डिक्रीमेंट, नाउ num बिकम्स 4. कॉलिंग प्लेस पर रिटर्न क्या हुआ, 5 रिटर्न हुआ, इसलिए आउटपुट में प्रिंट टैप से प्रिंट भी क्या हो जाएगा, ऑल्सो 5, मैसेज एस 5 और स्पेस. नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद कंट्रोल कहाँ सेंड होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन के अकॉर्डिंग अगेन किसको चांस प्रोवाइड होगा, टू द फंक्शन आर. आर अगेन कॉल होगा, देन नम रिटर्न क्या हो रहा, नम माइनस माइनस. वन मोर थिंग्स, यहाँ नम ओनली वन टाइम एलोकेट होगा एट द टाइम ऑफ लोडिंग. नेक्स्ट वन, नम के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ, नम का करंट वैल्यू 4. 4 रिप्लेस होने जस्ट बाद जब नम में डिक्रीमेंट होगा तो नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस केस में 3. देन 4 इज रिटर्न टू द कॉलिंग प्लेस, मीन्स दैट प्लेस. देन इसके जस्ट बाद अगेन चांस किसको प्रोवाइड होगा, कंडीशन टेस्टिंग. कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर से आर फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन आर के केस में रिटर्न क्या होगा, वैल्यू ऑफ नम विच इज 3, देन डिक्रीमेंट, नाउ नम बिकम्स 2. कॉलिंग प्लेस पर रिटर्न हो रहा 6 के बाद, नेक्स्ट टाइम रिटर्न होगा इस प्लेस पर 3. 3 अगेन नॉन जीरो नंबर, दैट्स वाई कंडीशन इज ट्रू. ट्रू होने केस में फिर से प्रिंट टैप को चांस मिलेगा, प्रिंट टैप में जब नेक्स्ट टाइम आर फंक्शन कॉल होगा तो आर से रिटर्न क्या होगा, वैल्यू ऑफ नम. नम का करंट वैल्यू 2 फाउंड हो रहा, रिप्लेस क्या हो जाएगा 2, इमीडिएटली डिक्रीमेंट, नाउ वैल्यू बिकम्स 1. रिटर्न क्या होगा 2, देन प्रिंट टैप से नेक्स्ट टाइम का डिस्प्ले होगा 2 स्पेस. नेक्स्ट टाइम अगेन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन, फिर से आर कॉल होगा तो आर के केस में रिटर्न क्या होगा, वैल्यू ऑफ नम विच इज 1, नाउ नम बिकम्स 0. नेक्स्ट टाइम वैल्यू क्या रिप्लेस हुआ, 1, इसलिए रिटर्न क्या हुआ कॉलिंग प्लेस पर, 1. 1 के अकॉर्डिंग सॉरी कॉल कम हुआ था जस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन, रिटर्न क्या हुआ 1. देन 1 रिटर्न होने के बाद अगेन चांस किसको मिलेगा, कंडीशन. कंडीशन के अकॉर्डिंग अगेन फंक्शन आर कॉल होगा तो आर में करंटली नम का वैल्यू क्या रिप्लेस हो रहा है, 0, इमीडिएटली डिक्रीमेंट, नाउ नम बिकम्स माइनस 1. लेकिन कॉलिंग प्लेस पर सेंड क्या होगा, 0, मीन्स फर्स्ट टाइम का रिटर्न हुआ 6, नेक्स्ट टाइम 3, नेक्स्ट टाइम 0. जैसे 0 रिटर्न हुआ कंडीशन कम फॉल्स, कंट्रोल कांस्टेंट हो जाए आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप. फाइनली इस केस में डिस्प्ले क्या हुआ, ओनली 5 एंड 2.